विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया है। टीम इंडिया ने तीनों फॉर्मेट में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में एक आईसीसी ट्रॉफी का खिताब अभी भी हाथ से दूर है। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम ने अब तक कोई भी खिताब नहीं जीता। अब भारत एक और खिताब के करीब है और ये भी एक आईसीसी का ही खिताब है, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। भारतीय टीम इस फॉर्मेट में पिछले 3-4 सालों से सबसे मजबूत रही है और ऐसे में फाइनल में भी खिताब की प्रबल दावेदार है। भारत ने टेस्ट चैंपियनशिप में तय सभी 6 सीरीज खेली थी, जिसमें उसे सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी और बाकी 5 सीरीज भारतीय टीम ने अपने नाम की थी। बाकी फैंस की तरह ही बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी टीम इंडिया को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्हें यकीन है कि भारतीय टीम इस मैच में शीर्ष पर रहेगी। सौरव गांगुली ने टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करने की भी सलाह दे दी। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, ये हम सबके लिए काफी बड़ा मौका है और मैं टीम को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए 2 साल तक काफी मेहनत की है और मुझे यकीन है कि वो इस मैच में शीर्ष पर रहेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष ने साथ ही टीम इंडिया को संतुलित भी बताया और उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी अपनी क्षमता के मुताबिक खेल दिखाएंगे। गांगुली ने खास तौर पर सलामी बल्लेबाजों की भूमिका पर बात की और कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यूजीलैंड के पेस अटैक को नाकाम करना होगा। गांगुली ने साथ ही ये भी कहा कि मैच के दिन मौसम चाहे जैसा भी हो, भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विदेशों में टीम इंडिया को अक्सर जीत पहले बल्लेबाजी करने की स्थिति नहीं मिली है। उन्होंने कहा, अगर आप रिकॉर्ड्स को देखोगे और भारत के विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने हमेशा मैच तभी जीते हैं जब पहले बल्लेबाजी की है। ये आपकी पसंद है कि आप प्रतिकूल हालत में शुरुआत से ही दबाव का सामना करना चाहते हो या चौथी पारी का इंतजार करना चाहते हो।